रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी से होम्योस्टेसिस है। सो होम्योस्टेसिस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए डेली लाइफ से। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें इस दुनिया में, हर चीज़ अपनी एक नॉर्मल लिमिट के अंदर, एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रही होती है। यानी एक लिमिट में रह के वो जो है वो हर चीज़ ऑपरेट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कोई खुशी है, अगर तो वो खुशी अपने एक नॉर्मल लेवल पे है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो खुशी हद से ज़्यादा है तो वो नुकसान दे साबित हो सकती है। इसी तरह अगर किसी को कोई गमी है, ठीक है, अगर तो वो गमी एक नॉर्मल लेवल पे है, एक लिमिट के अंदर है, तो वो ठीक है, होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो गमी हद से ज़्यादा है तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बताने का मकसद ये है कि लाइफ में हर चीज़ अगर नॉर्मल लेवल पे काम करे तो चीज़ें फ़ायदे की तरफ जाएंगी, ठीक है। जो ही अगर नॉर्मल लेवल से जो है वो कोई काम बढ़ जाता है या नॉर्मल लेवल से काम नीचे आ जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहते हैं ना कि मीठा ना बन, ज़्यादा मीठा ना बन। क्या मकसद है इस बात का? इस बात का मकसद ये है कि अगर आपको आप कुछ ज़्यादा ही मीठे हो जाएंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, अगर आप कड़वे हो जाएंगे तो लोग आपको फेंक देंगे। फ़ायदा किस में है? नॉर्मल रहो, एतदाल में रहो, ठीक है, नॉर्मल अपनी एक लिमिट में रहो। इसी तरह हमारे जिस तरह हमारे माहौल में चीज़ें जो है वो नॉर्मल लेवल पे ऑपरेट करेंगी तो फ़ायदेमंद होंगी, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स हैं, वो अगर अपने एक नॉर्मल लेवल पे वर्क करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर वो अपने एक नॉर्मल लिमिट को जो है वो क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं या फिर नीचे आ जाते हैं, तब ख़तरा है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होगा, ख़तरा होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो आइडियल बॉडी नहीं है, और ना ही इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल है, ठीक है। आइडियल बॉडी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज ना आए, बल्कि ऐसा नहीं होता। बॉडी हमारा आइडियल बॉडी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है जिसका काम ही यही है कि वो बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चेंजेस आती हैं, वो बॉडी के अंदर भी चेंजेस को लाता है, लेकिन उन चेंजेस को एक नैरो रेंज में रखता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मेरे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे ऑपरेट करवाता है। वो जो सिस्टम है वो है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अगर हम लिटरल मीनिंग उसका देखें तो होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टेट, यानी सेम स्टेट। डेफिनेशन पे आ जाएं, डेफिनेशन कहती है कि द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इन अ स्टेडी स्टेट व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। मीन्स के अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसा प्रोसेस जो हमारे इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं उनको एक नैरो रेंज में मेंटेन रखता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए माहौल क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी कंडीशंस हैं, सर्दी गर्मी जो भी है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, ये सारा कुछ क्या है? हमारा माहौल है, हमारा इन्वायरमेंट है। सो डेफिनेशन देखें, सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस होंगी उनका जो टोटल होगा, टोटल कंडीशंस जो होंगी वो सारी क्या होंगी, उनको क्या कहेंगे, दे आर एनवायरनमेंट। अब
इन्वायरमेंट जो है वो टू टाइप्स का होता है, नंबर वन पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, नंबर टू पे इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं? बाज़ जगहों पे जो है वो इन्वायरमेंट की जगह कंडीशंस का वर्ड भी यूज़ किया गया। सो यहाँ पे घबराना नहीं है, इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस सेम चीज़ है, ठीक है। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आउटसाइड द बॉडी जो कंडीशंस होंगी वो सारी क्या है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ गया, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, एयर, ये सारी क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर हम देखें इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी जो भी कंडीशंस हैं वो सारी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द सेल जो भी कंडीशंस हैं वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप देखा गया है, ठीक है। ये दोनों इन्वायरमेंट्स जो हैं या दोनों कंडीशंस जो हैं ये एक दूसरे की मोहताज होती हैं। मेनली जो इंटरनल हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो मोहताज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के। अब देखें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो गर्मी थी, टेम्परेचर क्या था, हाई था, ठीक है। अब ठंड है, सर्दी है, टेम्परेचर क्या है, लो है। पहले गर्मी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 20, 25, 30, 40 तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ठंड में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो फॉल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है बिलो 10, 8 हो गया, 7 हो गया, -1 डिग्रीज तक जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा, हमारे बॉडी पे पड़ेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उस पे पड़ेगा। अगर जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब चेंजेस तो आते हैं हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन उन चेंजेस को एक नैरो रेंज में मेंटेन रखना वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। अब देखें कि अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, कभी सोचा है? अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा तो इट मींस कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर हमारा बॉडी जो है वो आइडियल बॉडी होगा, तो इस केस में हमें होम्योस्टेसिस का ज़रूरत ही ना पड़ता, होम्योस्टेसिस का ज़रूरत ही ना पड़ता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ज़रूर चेंज होता है। अब उस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उनको एक नैरो रेंज में मेंटेन रखना जो है वो कहलाता है होम्योस्टेसिस। सो नेक्स्ट, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आपको बताती चलूँ कि व्हाट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट और व्हाट आर द इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशंस कौन सी होती हैं, अब हमें पता चल गया कि एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, अब वो होता कौन सा है उसमें देख लें। बॉडी का टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, होता है ना बॉडी का टेम्परेचर, ये भी हमारे जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है। बॉडी के अंदर जो है वो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, ये सारा जो है वो ये क्या आ जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी तरह बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। ब्लड शुगर, शुगर लेवल, ब्लड का जो शुगर लेवल है ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है। पीएच, ब्लड पीएच, ये भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। सो ये सारा जो था ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। सो क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा, लेकिन उस चेंजेस को एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो उसको मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कितने कंपोनेंट्स हैं, नंबर वन पे थर्मो रेगुलेशन, नंबर टू पे ओस्मो रेगुलेशन, नंबर थ्री पे एक्सक्रीशन। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो इनके ऊपर अलग-अलग चैप्टर्स मौजूद हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो सिलेबस है उसमें एक ही चैप्टर में इन तीनों को जो है वो कवर किया जा रहा है।
ठीक है, इन तीनों को एक ही चैप्टर में कवर करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन हीट और टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन उसको रेगुलेट करना, उसको एक जो है वो नॉर्मल लेवल पे लेके आना, क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन अब देख ले, पीछे देखें कि थर्मो रेगुलेशन बॉडी का एक टेम्परेचर है, ये क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, नॉर्मल लाइन से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है, ठीक है। ये जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ है ये किस वजह से होते हैं, टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज़ क्यों होता है और डिक्रीज़ क्यों होता है और कब होता है। अब देखें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ठंड है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर तो वो टेम्परेचर हद से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तो इन सच केस हमारे हो सकता है नमोनिया हो जाए, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ऊपर होगी या फिर वो नीचे होगी तो वो क्या होगी, नुकसानदेह होगी। सो हमारी नॉर्मल लाइन से क्या है, टेम्परेचर ऊपर भी है और टेम्परेचर जो है वो नीचे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन जो होम्योस्टेसिस है ये क्या करता है, इस टेम्परेचर को हाई लेवल से लेके आता है नॉर्मल रेंज में, ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ हुआ है तो डिक्रीज टेम्परेचर को भी एक जो है वो नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। सो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा 37 डिग्री सी है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे कौन लेके आता है, होम्योस्टेसिस लेके आता है। इसी तरह बॉडी के अंदर अगर हम वाटर की जो है वो अमाउंट देख लें, अगर वाटर जो है वो हाई लेवल पे मौजूद है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दार पानी की ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो भी वो नुकसानदेह है। इन द केस ऑफ हाई वाटर लेवल, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर होम्योस्टेसिस क्या करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन को एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, पे लेके आएगा। और इसी तरह अगर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं, अगर वो हद से ज़्यादा नॉर्मल पॉइंट से ज़्यादा हो जाएं या नॉर्मल पॉइंट से कम हो जाएं तो जो होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है वो उन सारी चेंजेस को, उन सारी जो जो कंडीशंस हैं उनको अपनी नॉर्मल स्टेट पर लेके आता है, ठीक है। अच्छा, होम्योस्टेसिस के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर को रेगुलेट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू भी उसको जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से हार्मोन्स भी जो है वो बनाए हैं, और बहुत से हार्मोन्स जो है वो ये काम करते हैं कि हमारा जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर टू पर अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी साल्ट नमकियात वगैरह होते हैं, ठीक है, वाटर भी होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के लेवल को जो है वो एक नैरो रेंज में मेंटेन रखना जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और ये काम हो रहा होता है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। आगे आ जाएं जी एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है, बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ही मौजूद होती हैं। अब ज़रूरी है कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के अंदर से निकाला जाए ताकि हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल लेवल पे जो है वो फंक्शन कर सके, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जमा होते रहें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ना कि यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों में जमा हो गया, जिसकी वजह से बीमारी, जोड़ों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो वो जो बीमारी होती है उसको जो है वो अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। सो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने, मेनली हमारे पास जो आ जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाते हैं, उनको एक्सक्रीट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है,
होता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अपने एक नॉर्मल लेवल पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब कौन कौन से चीज़ों के थ्रू, कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन हो रही होती है, वो है किडनी, गिल्स, लिवर एंड स्किन। स्किन मींस स्वेटिंग जब होती है, जब पसीना आता है, तो पसीने के जो पानी के साथ बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारे बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक ही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।